अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अपनी नापाक हरकतों के चलते वैश्विक मंच पर अक्सर शर्मसार होने वाले पाकिस्तान को एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNG के मंच पर फजीहत का सामना करना पड़ा है और इस फजीहत का कारण बनी है भारत की ही एक यंग ऑफिसर स्नेहा दुबे। भारत की इसी जूनियर महिला राजनायक ने जिस रुख से PM इमरान को जवाब दिया है उसकी हर ओर सराहना की जा रही है, लेकिन स्नेहा ने वैश्विक मंच पर ऐसा क्या कहा जो चर्चा का विषय बन गया है, चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने UNGA में जब कश्मीर का मुद्दा छेड़ा तो स्नेहा दुबे ने राइट टू रिप्लाई का इस्तेमाल करते हुए जवाब दिया कि पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वह आतंकवादियों को खुला समर्थन देता आया है। स्नेहा ने कहा, पाकिस्तान ने झूठ का सहारा लेते हुए पहले की तरह इस बार भी UN के प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल किया है और भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी भी की है। स्नेहा दुबे ने कहा कि पाक में हो रही गतिविधियों से दुनिया का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तानी नेता इस तरह के मनगढ़ंत बयान दे रहे हैं। उनके देश में आतंकी खुलेआम घूमते हैं और आम नागरिक खासकर वहां रह रहे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर आए दिन अत्याचार होते हैं, लेकिन इससे अलग पाकिस्तान कश्मीर का राग अलग रहा है। इसके साथ ही स्नेहा दुबे ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इसमें वो क्षेत्र भी शामिल हैं जिस पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे हैं। हम पाकिस्तान से उसके अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली करने का आह्वान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की पहली सचिव स्नेहा दुबे ने इमरान के एक एक झूठ की बड़े ही सलीके से पोल खोली थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की पहली सचिव स्नेहा दुबे ने इमरान के एक एक झूठ की बड़े ही सलीके से पोल खोली और एक बार फिर इमरान खान से अपने गिरेबान में झांकने को मजबूर कर दिया। स्नेहा के दो टूक जवाब के बाद इमरान खान की बोलती तो बंद हो गई, लेकिन स्नेहा दुबे सुर्खियों में छा गई। आलम यह है कि सोशल मीडिया पर स्नेहा दुबे ट्रेंड कर रहा है और लोग गूगल पे भी स्नेहा दुबे को सर्च कर रहे हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही रोचक खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हुंकार न्यूज। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।